तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रिक वर्क का रेट एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट है, इस पर हमने किया है और जो किया है ऑटोमेटिकली। अब जैसे यहाँ पे 1 MQ है, अगर यहाँ पे हम बढ़ा दें 50 MQ करें तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके पूरा क्वान्टिटी दे देगा, ठीक है। इसके पहले हमने कंक्रीट पर वीडियो बना लिया है, जो कि वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं या फिर वीडियो स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे रेट एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो इससे पहले अगर ये हम डायरेक्टली आपको बताएंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले ब्रिक वर्क की ये जो क्वांटिटी वगैरह आई है, ये सब ये कैसे आई है वो हम आपको चल के बताते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पे किया क्या गया है। हमारे जो ईंट है उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो ये है, 190 mm × 90 mm × 90 mm, मतलब 190 mm लंबी है, 90 mm चौड़ी है ये वाला फेस, ठीक है, और 90 mm उसकी हाइट है, ठीक। लेकिन पहले चरण में हम क्या करेंगे, हमको नंबर ऑफ ईंट निकालना है और हमको 1 MQ के लिए डिजाइन करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 mm मोटार जो है इसमें ऐड कर दिया, 190 में 10 करेंगे तो 200 हो जाएगा, 90 में 10 mm ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, इस 90 में 10 mm ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है मोटार के साथ ईंट का आकार जो है वो ये हो जाएगा, 200 × 100 × 100, ठीक। तो हम 1 MQ से इसका क्वांटिटी निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है, 1 ईंट का मसाले के साथ, जो किया जाएगा ये 0.002 MQ। अब 1 MQ में कितना ईंट लगेगा, सिंपली इसका डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, तो 500 ईंट लगेगा। तो हमारा फर्स्ट चरण जो है कंप्लीट हुआ। सेकंड चरण की बात करें तो सेकंड में क्या है, 190 × 90 × 90 mm की एक ईंट लेंगे, ठीक है, जिसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 500 जो ईंट आया था उससे। तो जैसा कि देख सकते हैं वहाँ पे यही हुआ है, 500 × ये तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन, तो आ गया 0.7695 MQ। ये हमने क्यों किया, आगे चलिए, मोटार का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने ये किया, ठीक है। वो निकलेगा कैसे, दीवार का आयतन हमको पता है 1 MQ, 500 ईंट का आयतन हम निकाल लिए जो कि ये निकाले थे, ठीक है। 1 MQ में से इसको हमने घटा दिया, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं, ठीक। देखिए मोटर का आयतन निकालने के लिए 1 MQ में से इसको हमने घटाया तो आ गया 0.23 MQ, 5% हम वेस्टेज लेके चलते हैं तो आ जाएगा 0.2305, ठीक है, का 5% में लिया तो आ गया 0.011525, मतलब इतने का 5% में लिया तो इतना आ गया, ठीक है। दोनों को जोड़ लिया तो आ गया 0.242 MQ। अब इस मोटर के आयतन को, ये हमारा मोटर का आयतन मिला। अब क्या होता है, ये गीला आयतन है, इसको जब सूखे बदलेंगे, क्योंकि जो भी क्वांटिटी निकलती है सूखे में निकलती है, तो 33% इंक्रीज हो जाएगा। तो वही हमने किया, शुष्क आयतन इक्वल टू 1.33 × गीला आयतन, तो आ जाएगा 0.322 MQ। तो हमारा यहाँ से क्या निकला, यहाँ से हमारा मसाला निकला, ठीक है। अब हम निकालेंगे सीमेंट, सीमेंट के निकालने के लिए कुछ जानकारी ले लें। जैसे जो हमारा डेंसिटी ऑफ सीमेंट है वो है 1440 kg/m³, ठीक। सीमेंट रेत का जो अनुपात है 1:6 है, जिसमें 1 भाग सीमेंट है और 6 भाग रेत है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले सम ऑफ रेशियो का लेना होता है, ठीक है, 1 + 6 = 7 हो गया। तो सीमेंट का भाग जो हो जाएगा 1/7, रेत का जो भाग हो जाएगा 6/7, ठीक है। कैलकुलेशन सीमेंट का करते हैं हम, तो वो इतना निकल के आएगा, 1/7 × 0.322 × 1440 डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1440 फिर डिवाइड कर देंगे 50 से, वो नंबर ऑफ बैग आ जाएगा। अभी ये दिख रहा है आपको किलोग्राम में 66.24 किलो सीमेंट लगेगा, अगर 1:6 में आप मसाला लगा रहे हैं तो, ठीक है।
एक बैग सीमेंट में 50 kg सीमेंट आता है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो 1.32 बैग लगना है 1 MQ ब्रिक वर्क करने में। ठीक है, अब रेत का निकालने के लिए हमने बताया था 6 1 का 5 6 भाग 7 भाग जो था सीमेंट, और 6 5 7 भाग जो है वो रेत का है। तो 6 5 7 × वॉल्यूम ऑफ मोर्टार जो मसाला आया था उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 35.31, क्योंकि 1 MQ में इतना CFT होता है, तो टोटल आ जाएगा 9.75 CFT सैंड। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या क्या निकाला, ईट सीमेंट सैंड। ठीक है, तो कुछ ये प्रोसीजर है, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा देर तक हम इसको पॉज करके रखते हैं। ठीक है, और बढ़िया से आप समझ लीजिएगा, पॉज कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, लेते जाइए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब चलिए एक्सेल शीट पे, ये है एक्सेल शीट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट जो है 1 MQ के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 1 MQ इंटर कर दिया। अब चलिए एक एक करके हम बताते हैं, इसको बड़ा करते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क 1 MQ के लिए डिजाइन कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार इतना कैसे आया, देख सकते हैं हमने यहाँ पे साइज लिख रखा है, ब्रिक मोर्टार विदाउट साइज, विदाउट मोर्टार ब्रिक साइज विदाउट मोर्टार, और ब्रिक साइज विथ मोर्टार ये है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे रख रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट मोर्टार इतना है, तीनों का मल्टीप्लाई, और विथ मोर्टार इन तीनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो खेल इसका और इसका हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो मटेरियल प्लस रेशियो, सीमेंट का रेशियो 1 है, सैंड का रेशियो 6 है, और सम ऑफ रेशियो 7 है। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ मोटर ये कहाँ से आएगा, ये देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, बी थ्री कहाँ से आया, B3 यहाँ से आया, इस पर क्लिक करते हैं डबल, ये देखिए B3 यानी 1 MQ, उसमें से हमने C13 किया, टोटल जो ईट थी उसको घटा दिया 1 MQ में से। ठीक है, तो 1 MQ में से ईट को घटाया और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया B5 क्या कर दिया, विदाउट मोर्टार जो एक ईट का आयतन था उसका मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सीधे सीधे समझे हम इसको, अगर डिलीट करते हैं हम, यहाँ से आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम ऑफ मोर्टार निकालने के लिए हमारे पास ईट कितनी आई है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, 500 ईट आई है। अब एक ईट का बिना मसाले का आयतन क्या है, उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख दिए विदाउट मोर्टार आयतन ये था। ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट में रख लीजिए, थोड़ा आपको समझाने के लिए हम इतना लेंदी कर रहे हैं, और इसको घटा दीजिए, किससे घटाइएगा, वॉल्यूम ऑफ एक ब्रिक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल तो कितना आ गया, 0.231। अब ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमने इधर लिखा है, इसको अगर हम इधर लिख दें B3- और इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें, ये देखिए सही हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ मोटार ड्राई निकालने के लिए क्या किया हमने, 38% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया हमने, 1.38 इंक्रीज कर दिया इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 1.38 से इसमें, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट के लिए हमने फार्मूला लगाया क्या, यह 4 × I5, यह 4 क्या है, यह 4 हमारा सीमेंट है। ठीक है, डिवाइड हमने सम ऑफ रेशियो से कर दिया, मल्टीप्लाई जो है 1440 से करके 50 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ सीमेंट आ गया। सैंड निकालने के लिए हमने क्या किया, सैंड रेशियो है, ठीक है, डिवाइड कर दिया सम ऑफ रेशियो से, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया इससे ड्राई वॉल्यूम से। ठीक है, और डिवाइड करके निकाल लिया, तो यहाँ से ये सब हमने ऑटोमेटिक सीट बना रखा है, आई थिंक आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।